Thank you, Brijesh ji, for being part of the episode today. Thank you so much for taking your time. How are you taking care of yourself in this corona situation? Thank you मुझे बुलाने के लिए और ये शो में मुझे इनवाइट करने के लिए. और एज इट इज जो कोरोना है उसकी वजह से वर्क फ्रॉम होम में हम चीजें अच्छी कर रहे हैं. एंड थैंक यू. Excellent, thank you. So before we begin, I would really like to understand your personal journey. Ki, you know, what motivates you to be so passionate about financial education, and you know, need of the hour. हमारी आपकी बात हुई इससे पहले, तो आप बोले थे need of the hour है financial education. और आप एक finance coach भी हैं. So I would like to really understand your personal journey. Okay. So basically, मैंने अपना career जब शुरू किया था. मैं गुजरात में भावनगर जैसा छोटा जो सेकंड कैटेगरी का जो टाउन आता है वहाँ से बिलोंग करता हूँ. और वहाँ पे मैंने बिजनेस से शुरू किया था. आई मीन एंटरप्रेन्योर, तो मेरा ओरिजिनल बिजनेस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है. तो छोटे सिटी में ये होता है कि जब आप बिजनेस को एक्सपांड करने जाते हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा स्केलेबिलिटी नहीं मिलती है. तो आई हैड अ चैलेंज कि मैं कैसे स्केल अप करूँ. तो कोशिश मैंने की कि मैंने वो हॉरिजॉन्टल नहीं हो रहा था तो मैंने वर्टिकल नहीं हो रहा था तो मैंने हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफाई किया. फिर जाके मुझे पता चला कि डिफिकल्ट हमारे सिटी में ये है कि लोगों की पॉकेट लिमिटेड है. मतलब आप उनको उनकी पॉकेट में से आपको बिजनेस में पैसे निकलवाने हैं तो छोटी इकोनॉमी होने की वजह से पॉकेट लिमिटेड है. तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू स्केल अप माय बिजनेस. तो इसी सोच के तहत मुझे ये आया कि व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन अ स्केलेबल बिजनेस. अगर खुद का बिजनेस शुरू करें उससे तो चाहे हम जो बिजनेस ऑलरेडी स्केल्ड है और जो और भी स्केलेबल हो सकते हैं लाइक मल्टीनेशनल्स और टाटा रिलायंस वगैरह जैसी कंपनी में. सो दैट पॉइंट इन टाइम इट क्लिक्ड मी कि अगर आपको स्केल अप होना है फाइनेंशियली तो आप अपना बिजनेस करके. मैं कोशिश कर रहा था पर आई वाज नॉट एबल टू स्केल अप. तो फिर आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इनटू लार्सन एंड टुब्रो एंड रिलायंस एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माय इन्वेस्टमेंट जर्नी. फिर उसी टाइम पे मुझे ये लगा कि मुझे अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेनी चाहिए. तो अभी तो मैं फाइनेंशियल फ्री हूँ. और मेरी ये जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम, उसी टाइम पे मैंने एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एडवाइजिंग लॉन्च किया था उन्होंने. तो ये IIBF बेसिकली बैंकों का बना हुआ एक इंस्टीट्यूशन है. तो दे हैड कोलैबोरेटेड विद ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज इंस्टीट्यूट और 2002-03 में दे हैड लॉन्च ए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एडवाइजिंग. तो वैसे मुझे आई वॉज प्रोफेशनली वॉज नॉट इंटरेस्टेड एट दैट पॉइंट इन टाइम, बट मुझे नॉलेज चाहिए था खुद के लिए. तो मैंने कोर्स एनरोल नहीं किया बट मैंने टैक्समैन्स पब्लिशर ने उनका मटेरियल पब्लिश किया था. तो आई ब्रोकर्ड मटेरियल फ्रॉम देम और मैंने उस टाइम पे खुद के लिए वो पढ़ाई की थी. बट उस टाइम पे ये एक चीज मैंने देखी थी कि प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजिंग इन फाइनेंशियल एजुकेशन वॉज नॉट अवेलेबल. जो भी चीजें थी वो एजेंट के फॉर्म में थी. मतलब जो कमीशन बेस्ड पे बिजनेस करते हैं जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है कि हां, तो आई एम नॉट अगेंस्ट डिस्ट्रीब्यूटर बट दी अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट इज देयर. तो वो चीज है कि वजह से देयर वाज अ डीप डाउन मेरे अंदर एक डिजायर था कि लोग इन्वेस्टर कम्युनिटी को एक अच्छा सा फाइनेंशियल प्लानर एडवाइजर और कोच मिलना चाहिए. एंड देन वेरी एजुकेशन कैरियर बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ी तभी आई केम अक्रॉस की सेबी ने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लाइसेंस इश्यू करना शुरू किया है. Okay. तो वो बेसिकली फ्यूडिशरी सर्विस वाली लाइसेंस थी जहाँ पे आपको एडवाइजर इज नॉट अर्निंग फ्रॉम द कमीशन बट इज सपोज टू चार्ज फ्रॉम द क्लाइंट. तो वहाँ पे दैट वाज द फाइनेंशियल पर्सनल फाइनेंशियल प्रोफेशनल फ्रेटर्निटी जो सेबी इंटेंड कर रहा है कि जो इन्वेस्टर को अकाउंटेबल हो नहीं कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को. तो मेरे दिमाग में वो था कि वो नहीं है. और जैसे ही वो मुझे पता चला 2014 में कि SEBI has started doing it, तो फिर मेरी वो जो नॉलेज थी और मेरे अंदर जो वो कीड़ा था कि लोगों को हेल्प करना चाहिए क्योंकि है नहीं, तो वो फिर से लाइव हुआ और मैंने SEBI का लाइसेंस किया. साथ ही SEBI के लाइसेंस को सेटिस्फाई करने के लिए इनिशियली आई टू एग्जामिनेशन ऑफ NISM की इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 and 2 पास करके मैंने लाइसेंस लिया. और फिर बाद में सिंस नॉलेज तो थी सो आई गॉट माई सेल्फ क्वालिफाइड फॉर चार्टर्ड वेल्थ मैनेजमेंट. सो दिस इज हाउ जो मेरी जो थी अंदर की लोगों के पास अवेलेबल नहीं है ये जो राइट काइंड ऑफ एडवाइजरी जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का इंटरेस्ट नहीं और जो एडवाइजर है वो इन्वेस्टर के लिए काम कर रहा है और उसको फाइनेंशियल फ्रीडम दे के पैसे अर्न कर रहा है. तो वो कैटेगरी वॉज नॉट अवेलेबल. ज्यादातर लोग है वो इक्विटी
50 एडवाइजर में, पर्सनल फाइनेंस में एडवाइजर अराउंड 200 टू 250 जो भी कंट्री में काम कर रहे हैं, जो मेरी तरह से काम कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड केम इनटू दिस प्रोफेशन. सो दिस इज माय सेकंड करियर, एडुप्रेनर के तौर पे है मेरा करियर. तो एक्सीलेंट. हां, तो एजुकेशन में कोचिंग इज मोस्ट पार्ट ऑफ द एजुकेशन. बट देन आई टुक अप माय सेल्फ एंड नो उसकी मैं वेल्थ कोच, क्योंकि मेरे पास कोचिंग एबिलिटी भी है और मेरे पास पर्सनल फाइनेंस नॉलेज भी है. So right. why not to just limit myself to personal financial planning and advising? Right. It is much better thing to do well coaching, jo usse upar jata hai. So that is correct, how correct. I started well coaching. करेक्ट करेक्ट. आई थिंक बहुत ही वंडरफुल जर्नी है आपकी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे पूरा जान के. एंड आई थिंक बहुत अच्छा नोबल प्रोफेशन है ये जो आप कर रहे हैं. और जैसे आप बोल रहे हो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, अप फ्रंट फीस है, सो आपका एडवाइस भी अनबायस्ड है, यू नो, उस तरीके से सभी के गाइडलाइंस के हिसाब से. सो आई थिंक सबका साथ सबका विकास वाला मॉडल है. सो आई थिंक वेरी 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 यूजफुल. सो मैं ना एक और अपने गेस्ट से क्वेश्चंस आजकल पूछ रहा हूँ, क्योंकि कोरोना का यू नो वी आर ऑल स्ट्रगलिंग विद दिस क्राइसिस राइट नाउ. और इन दिनों अनसर्टेनिटी बहुत है, चाहे वो जॉब फ्रंट पे हो, चाहे वो बिजनेस पे हो. लोगों के इनवॉइसेस नहीं मूव हो रहे हैं बिजनेस में, कुछ लोगों की सैलरीज रुकी हुई हैं, या वो नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं बिकॉज जॉब टर्मिनेट हो जाएगी. ऐसे सिचुएशन में इमरजेंसी फंड मेरा एक टॉपिक है जो मैं सब गेस्ट से जरूर पूछता हूँ, और वो मेरे बहुत क्लोज है हार्ट के. मैं आपका उसमें व्यू जानना चाहूंगा कि इमरजेंसी फंड की तरफ कितना प्रायोरिटी हमें देना चाहिए. और मुझे एक और जो मेजर सवाल वो है, वो ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया अभी तक सोचना, अब वो लोग कैसे स्टार्ट करें? Fine. So it's a very good question. In fact, जो personal finance के जो layer होते हैं, there are three. सबसे पहला layer होता है financial security. तो ये जो emergency fund है, वो financial security के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि financial emergency fund and all insurances and retirement plan, ये तीन चीजें और अपना खुद का घर, ये चार चीजें financial security देता है. तो नॉर्मली मैं अपने क्लाइंट को जब कॉल करता हूँ तब मैं यही करता हूँ कि आप जब तक ये सिक्योरिटी वाले सारे एलिमेंट विच इंक्लूड्स द इमरजेंसी, अगर वो आप नहीं कर लेते हो तब तक आपको यू शुड नॉट स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट ऑल. तो जब तक आप अपने इमरजेंसी फंड के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो आप अपने फाइनेंशियल गोल के लिए पहले शुरू ही मत करो. क्योंकि चीजें ये होती है कि अगर आप फाइनेंशियल गोल्स के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, टारगेट किए जो न भूत और न भविष्य, तो जैसी सिचुएशन जो वंस इन अ लाइफ टाइम आती है जो कोरोना वाली, उसके उसके ऊपर हम आते हैं बाद में, पहले मैं बेसिक पे जा रहा. तो जब तक आपकी सिक्योरिटी अचीव नहीं है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू भी कर लिया तो जब भी कुछ इमरजेंसी आएगी, जैसे कि ये कोरोना जैसी आई, तो आप उसी फंड को टैप कर पाओगे जो फंड आप फ्यूचर गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो फिर उसमें आपके सामने ये चीज आती है कि आप अभी इमरजेंसी को मैनेज करो या अपने फ्यूचर के फाइनेंस गोल्स को मैनेज करो, राइट. तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं आनी चाहिए. तो मेरे हिसाब से ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाले चार जो गोल है वो आपके जीरो गोल होने चाहिए, मतलब इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस और अपना रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट और आपकी खुद की मुल्तान. ये चार चीजें आपको पहले इंश्योर करनी चाहिए, फिर आपको अपने फाइनेंशियल गोल के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए. Right, so this is the importance of emergency fund. अभी COVID की वजह से I will share one of my example. Recently मेरा जो interaction हुआ एक हैदराबाद के मेरे prospective client के साथ में, they approached me for their financial planning. तो जो situation थी वो ऐसी थी कि उन्होंने जो अपनी lifelong saving थी वो उन्होंने जब उनका पहला business ये था कि he was into mobile phone distributorship और communication चीजों में थे, but उनका कहना ये था कि Jio के आने के वजह से वो सारी बाकी के जो operator है उनके दिक्कत हो गया और उनका बिजनेस खत्म हो गया. एंड देन द पर्सन एंटर्ड इनटू द जो क्लाइंट थे वो उन्होंने बिजनेस शुरू किया बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, जो एकेडमिक्स बुक्स होती है स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूशन की. तो ही वाज डूइंग गुड, बट देन कोरोना की वजह से अभी सिचुएशन है कि स्कूल्स आर क्लोज्ड, राइट राइट. और उनका ये होता है कि उनको दिसंबर जनवरी में सारे पैसे दे के एडवांस में दे के बुक करना होता है. तो उन्होंने बुक करके सारे बुक्स अपने गोडाउन में लाके खर्चा करके लाके गोडाउन में इकट्ठा कर लिए थे. सो और फिर बाद में लॉकडाउन आया और अभी उनको पता ही नहीं है कि स्कूल्स कब खुलने वाले. और अभी उनका एक सिचुएशन ये भी है कि पेरेंट्स ये भी सोच रहे अभी कि ठीक है, अगर बच्चा एक बार एक साल लेट हो गया पढ़ने में तो उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, बट वी डोंट वॉन्ट टू सेंड अवर चिल्ड्रेन टू स्कूल, राइट. तो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल कि अगर आपने इमरजेंसी प्लानिंग नहीं किया हुआ है तो व्हाट कुड हैपन इन योर लाइफ.
तो नॉर्मली अगर वो जो मेरे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है वो बिजनेस करते हैं तो वो नॉर्मली मैं अपने बिजनेस क्लाइंट को ये एक्सप्लेन करता हूँ कि यू शुड हैव अ चाइनीज वॉल बिटवीन योर बिजनेस मनी एंड योर पर्सनल मनी राइट. नॉर्मली बिजनेसमैन का ये जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ तो बिजनेसमैन मुझे जब उनको अभी इस तरीके की क्राइसिस फेस नहीं की होती है कभी लाइफ में जी. तो उनका ये कहना होता है कि आप बोल रहे हो कि हम इन्वेस्ट करें बताओ आप बता रहे हो कि इक्विटी में डालोगे तो आपको 12% मिलेगा बट मेरा बिजनेस मुझे 20% दे रहा है तो व्हाई शुड आई नॉट इन्वेस्ट इनटू माय बिजनेस. तो उनको ये समझना मेरे लिए डिफिकल्ट होता है कि अगर सारे पैसे आपने अगर आपके सारे अंडे आपने एक ही बास्केट में डाल दिए मतलब आपके सारे पैसे आपने अपने बिजनेस में ही डाल दिए तो अगर उस बास्केट को कुछ होता है तो वहाँ पे वो डाइवर्सिफिकेशन की चीज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. तो यू शुड हैव अ चाइनीज वॉल अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो कि आपके पर्सनल पैसे अलग चाहिए क्योंकि जब बच्चे की शादी है या तो बच्चे की पढ़ाई है अगर उस टाइम पे आपका बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है तो आपके वो पर्सनल पैसे आपको जो आपने एक्सक्लूसिवली बच्चे की पढ़ाई के लिए अलग रखे वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो. तो सेम वे इमरजेंसी फंड जैसे मैंने बताया था तो दैट प्रिंसिपल अप्लाई है राइट. सेकंड पार्ट आपकी जो क्वेश्चन थी वो ये थी कि अभी किसी ने शुरू नहीं किया है बिल्कुल तो उसका आंसर तो एज इट इज मैंने दे ही दिया था कि भाई ये तो पहली चीज आपको करनी है. तो व्हाट आई वुड एडवाइस कि अगर आप आपके मान लीजिए कि आपने फैमिली बना लिया है और आपका बच्चा है तो आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं अभी इमरजेंसी फंड के रिसोर्सेज किसी के पास इन्फिनिट नहीं होते सबके पास फिनिट होते तो सोच ये आती है जब आती है कि मेरे पास फिनिट रिसोर्स है तो why to keep it locked into emergency fund. मैं उसको अभी invest कर देता हूँ मेरे portfolio में अच्छा return आएगा और I'll be able to quickly gather की जो मुझे quantum चाहिए बच्चे की पढ़ाई शादी के लिए तो वो एक सोच रहती है. But I would urge कि अगर आपके पास अगर थोड़ी सी दिक्कत है इन्वेस्टमेंट की अगर आप इमरजेंसी फंड के लिए अलग नहीं निकाल सकते हो तो व्हाट यू कैन स्टार्ट डूइंग इज कि आप थोड़ा जो भी सरप्लस आपका आता है उसमें से आप थोड़ा डालिए अपने फ्यूचर गोल्स के लिए और साथ ही साथ में आप अपनी इमरजेंसी फंड को बिल्ड करते जाइए राइट. और दूसरी साथ ही साथ में आपकी हाँ जी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आप इमरजेंसी फंड को रखिए बिकॉज जैसे आपने एग्जांपल भी दिए कि जो आपने अपना केस बताया प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट जी बताइए जी तो यू नीड टू गिव इट हाईएस्ट प्रायोरिटी. और अगर आपने शुरू नहीं किया तो यू शुड स्टार्ट राइट अवे क्योंकि आपने ये आपको ये लेसन मिल गया. नॉर्मली क्या होता है कि जब तक मैं ये मेरी सोच ये होती है कि जब तक अपने पैर के नीचे पानी नहीं आता है तब तक चीजें आपको पता नहीं चलती है. तो ये कोविड की वजह से आई कंसिडर इट अच्छी चीज नहीं है बट फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए तो एक क्योंकि जिन लोगों को जो ये सोच थी कि लाइफ में कभी अनटूर्ड होता ही नहीं हमारे लाइफ में कभी नहीं हुआ और अच्छा है मेरी सोच से तो अच्छा है कि कभी ना भी हो. सही बात. देन प्लानिंग वही है कि अगर आपकी आप ये सोच के नहीं प्लान करनी है कि सारी चीजें अच्छी होगी आपको ये सोच के भी प्लान करनी है कि अगर कुछ बुरा होता है तो आप कैसे मैनेज करोगे. इमरजेंसी फंड का तो नाम ही इमरजेंसी फंड है ना कि इमरजेंसी में चाहिए. सही बात है जी. तो आपने एक डाइवर्सिफिकेशन पिक किया यहाँ पे तो मेरा एक और रिलेटेड क्वेश्चन है जो भी मैं जानना चाहता हूँ बिकॉज मुझे ये बहुत जेनरिक कभी कभी रिस्पॉन्स मिलता है कि एसेट एलोकेशन क्या होता है. आपने बोला कि आप अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से बात समझाने की कोशिश करते हैं कि डो नॉट पुट ऑल यू नो ऑल योर एग्स इन वन बास्केट जैसे आपने एग्जांपल में बताया. सो एक तो मैं ही जानना चाहूंगा अगर आप सिंपलीफाई करें हमारे ऑडियंस के लिए कि एसेट एलोकेशन क्या होता है इन अ वेरी सिंपल यू नो इन वर्ड्स. एंड अभी बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन क्या हमें वो बिकॉज आई थिंक ये बहुत डायनेमिक सा एक चीज है कि कुछ लोग बोलते हैं एज के हिसाब से मूव कर लेना चाहिए कोई लोग बोलते हैं गोल्स के हिसाब से चेंज करते रहना चाहिए. तो व्हाट इज एसेट एलोकेशन इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि कोरोना की वजह से और क्राइसिस की वजह से और अनसर्टेनिटी की वजह से क्या हमें एसेट एलोकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए इस समय. अच्छा तो एसेट एलोकेशन बेसिकली आपका जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप अपने मनी मैनेज करते हो उसका वो फाउंडेशन है. ओके राइट. क्योंकि जैसे मैंने बताया डोंट पुट ऑल योर इन टू वन बास्केट राइट. तो नॉर्मली एसेट एलोकेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में ये है कि आप उस तरीके की इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास में आप पैसे डालो जिसकी कोरिलेशन सिमिलर ना हो. मतलब अगर वो बढ़ते तो सारे एक साथ बढ़ेंगे अगर कम होंगे तो सारे एक साथ कम होंगे वो नहीं होना चाहिए राइट. सो देयर शुड बी ए सम काइंड ऑफ वीक कोरिलेशन और इनवर्स कोरिलेशन राइट. एग्रीड अंडरस्टूड राइट राइट. सो अगर सबसे बड़े दो एसेट क्लास को हम एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करें तो मैं हमेशा अपने कोचिंग प्रोग्राम में जब इन्वेस्टर को बताता हूँ तो वो भी अभी हम इन्वेस्टर के लिए वीडियो कर रहे हैं तो यही होता जी, है. टिपिकल दो मेजर एसेट क्लास एक डेट होता है मतलब कि आप इंटरेस्ट पे पैसे डाल रहे हो. अगर आप बैंक में एफडी में डाल रहे हो तो बैंक आपसे इंटरेस्ट पे पैसे ले रहा है. अगर आप
बॉन्ड में डाल रहे हो तो कॉर्पोरेट आपसे इंटरेस्ट पे पैसे ले रहा है, राइट? तो वो इंटरेस्ट अर्निंग डेट होता है, और दूसरा होता है आपका इक्विटी, मतलब आप बिजनेस में पैसे डाल रहे हो। ये दो मेजर है, और भी है, बट समझने के लिए दो को लेकर चलते हैं। तो इन दोनों की रिलेशनशिप है ना, वो इनवर्स है ज्यादातर, राइट? तो कैसे इनवर्स है? अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो आपकी जो डेट कंपोनेंट है उसमें आपकी रिटर्न रिलेटिवली बढ़ने वाली है, ओके, यस, बट उसका इंपैक्ट आपके दूसरे एसेट में क्या आएगा? तो कि बिजनेस ज्यादातर लोन लेके बिजनेस करते हैं, तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो उनका जो इंटरेस्ट आउटफ्लो होगा, लोन लिया है तो इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ेगा, तो उनका जो इंटरेस्ट आउटफ्लो होगा वो भी बढ़ेगा, बढ़ जाएगा जी, तो जी, उनका इंटरेस्ट आउटफ्लो बढ़ेगा तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, राइट? अगर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो नेचुरली उनके शेयर्स के दाम कम होंगे, और अगर शेयर्स के काम कम होंगे, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहे हो तो आपके म्यूचुअल फंड की एनएवी अकॉर्डिंगली डाउन होगी, राइट? तो मतलब वहां पे डाउन हो रहा है तो यहाँ पे बढ़ रहा है, तो आपकी जो डाउन साइड है वो आपने प्रोटेक्ट कर ली एसेट एलोकेशन की वजह से। अगर उससे उल्टा हम देख एग्जांपल लेके चलते कि इंटरेस्ट रेट कम होगी, जैसे कि अभी कोविड की वजह से वो डेकेडल लो चल रहे, राइट? आरबीआई ने डेकेडल लो कर दिया, अभी आप हाउसिंग लोन लेने का सबसे बेहतर टाइम ये है, राइट? तो अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो आपको वहां पे आपका पोर्टफोलियो पुअर परफॉर्म करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट आपके हाथ में तो है नहीं, वो गवर्नमेंट तय करती है मनी। तो जैसे ही यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो उसकी वजह से कॉर्पोरेट की इंटरेस्ट आउटफ्लो कम हो जाएगी, और कॉर्पोरेट की इंटरेस्ट आउटफ्लो कम हो जाएगी तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी एनहांस होगी, और उसकी वजह से शेयर और इंटर्न एनएवी आपकी म्यूचुअल फंड के बढ़ेगी। सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल कि हाउ यू शुड डू एसेट एलोकेशन, मतलब आपके पोर्टफोलियो में उस तरीके के एसेट रहने चाहिए जिसकी रिलेशन है वो आइदर वीक कोरिलेशन है और आइदर इनवर्स कोरिलेशन है, तो दिस विल एंश्योर। सो बेसिकली एसेट एलोकेशन इज मेंट फॉर रिस्क रिडक्शन, आपकी पोर्टफोलियो की डाउनसाइड रिस्क को मैनेज करने के लिए आप एसेट एलोकेशन कर रहे हैं, क्योंकि रिस्क तो हर इन्वेस्टमेंट में है, ऑफ कोर्स, राइट? अगर कोई इन्वेस्टर ये समझ रहा है कि मैं बैंक एफडी में पैसे डाल रहा हूं तो वो रिस्क फ्री है, वो भी उनका अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। जी जी जी, वहां पे भी रिस्क है, जैसे कि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए तो आपको वहां पे आगे जाके इंटरेस्ट कम मिलने वाला है, अगर बैंक ने मलया जैसे लोगों को लोन दे दिया है और ज्यादा दे दिया है और वहां से पैसे नहीं आ रहे तो भी आपको दिक्कत है, तो रिस्क इज एवरीवेयर, राइट? तो एसेट एलोकेशन इज मेंट फॉर रिडक्शन रिस्क, राइट? क्योंकि लोग ये समझ के चल रहे कि उससे रिटर्न मैक्सिमाइज होता है, नो, रिटर्न मैक्सिमाइज करने के लिए वो नहीं है, वो रिस्क मैनेजमेंट के लिए। साथ ही साथ में एसेट एलोकेशन में द अदर पार्ट ऑफ दैट कॉइन इज टू रीबैलेंसिंग, पीरियोडिक रीबैलेंसिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, ओके, ठीक है? मतलब जैसे कि मैंने अपने लिए अपनी रिस्क प्रोफाइल के बेस पे मैंने ये तय किया कि माई 60% वुड गो इनटू इक्विटी एंड माई 40% वुड गो इनटू डेट, तो हर पीरियड, मतलब मान लीजिए मैं हर साल में रीबैलेंस के लिए मैं अपने लिए सोच रहा हूँ, तो हर साल में दोनों एक साइड पे मूव नहीं करेंगे, राइट? हो सकता है कि जैसे कि अभी 2021 की बात करें तो आपका डेट अच्छा नहीं परफॉर्म कर गया क्योंकि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, और बट अभी इक्विटी भी अच्छा नहीं करेगा, बट आगे जाके इक्विटी अच्छा कर सकता है। तो अगर हम देखें, साथी, जो ये परसेंटेज बताया आपकी कि आपने अपने प्रोफाइल के हिसाब से 60-40 का डिसीजन लिया एंड देन आप उसे रीबैलेंस करेंगे, तो ये 60-40 पे कैसे आप अराइव हुए? आई मीन ये आपने नंबर कैसे डिसाइड किया? ओके, तो ये बेसिकली देयर आर थ्री पैरामीटर्स जिसके बेस पे ये तय होता है। पहला ये पैरामीटर होता है कि उनकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन होती है वो रिस्क, उनको रिस्क बेयर करने के लिए, मतलब सडन कुछ पोर्टफोलियो डाउन हो जाता है तो फाइनेंशियल सिचुएशन पे इमीडिएट कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, मतलब उनकी फाइनेंशियल रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, दूसरा डिपेंड करता है उनकी मेंटल, मतलब इमोशनल रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। ये नहीं होना चाहिए कि कोविड की वजह से मार्च महीने में इक्विटी ने 40% डाउन कर दिया था तो उनकी रात की नींद खराब हो गई, क्योंकि तो वो दूसरी चीज होती है। और तीसरी चीज होती है उनको पैसे कब चाहिए, व्हेन दे नीड द मनी, क्योंकि बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग इज व्हेन, आपको क्या करना चाहिए, जब आपके पास पैसे है, मींस व्हेन यू हैव सरप्लस यू शुड इन्वेस्ट, और जब आपको पैसे चाहिए, मतलब आपके फाइनेंशियल गोल्स जिसके लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जब आपको पैसे चाहिए तब आप उसको उठा लो, राइट? तो आपको पैसे कब चाहिए उसके ऊपर आपका एसेट एलोकेशन डिपेंड करता है। मतलब अगर आपको 3 या 5 साल में पैसे चाहिए तो आप इक्विटी में पैसे नहीं डाल सकते, क्योंकि 3 या 5 साल में इक्विटी वॉलेटाइल रहेगी नियर टर्म, राइट? तो ये दीज आर दी थ्री मेजर पैरामीटर जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एसेट एलोकेशन में
इक्विटी मतलब हाई रिस्क जो वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट व्हीकल है वो कितना होना चाहिए, और जहाँ पे स्टेबिलिटी है मतलब वॉलेटिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है वो कितना होना चाहिए, ये तीन चीजें डिटरमाइन करती है। तो मुझे तीन चीजें समझ में आई इसमें आपने जो मुझे बताया। एक तो आपने बताया इनवर्स कोरिलेशन, आई थिंक इज वन ऑफ द की थिंग यू मेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। And second thing you said about downside protection. So more than increasing the return, the idea of asset allocation is protection of a downside, because that is what I think was a summary which you mentioned. And also you mentioned ki ye jo percentage hai ye ek fixed number nahi ho sakta, depending on many factors, like you mainly said three factors, right? Around uska mental, psychological, you know, risk profile kya hai. And real risk profile क्या है based on the cash flows and and based on, so आप ये risk profiling कैसे, I mean जैसे मैंने एक और question अपने पिछले कैसे भी पूछा था आपसे भी पूछना चाहता हूँ उसी के round है कि कभी कभी मेरे साथ भी होता था पहले और मेरे दोस्तों के साथ बहुत होता है कि उनको लगता है कि वो ज्यादा risk ले सकते हैं but actually उनका risk profile ऐसा होता नहीं है। I mean if you look deep in their circumstances, उनकी upbringing, उनके ऊपर इतने education loan है या मान लीजिए पर्सनल लोन है, तो लोगों को लगता है कि नहीं नहीं आई कैन गो एंड इन्वेस्ट इन इक्विटी यू नो विदाउट मच स्टडी। सो वो कैसे बैलेंस करें क्योंकि लोगों को, क्योंकि दे आर नॉट फाइनेंशियली लिटरेट यू नो लिटरेट, देयर इज अ गैप इन यू नो उनको अपने बारे में जानने में गैप है, तो वो कैसे आप कैसे एड्रेस करते हैं जब आप किसी इंडिविजुअल से मिलते हैं, तो उसका रियल रिस्क प्रोफाइल कैसे फाइंड करते हैं क्योंकि वो हो सकता है आपको नहीं बताए अपना रिस्क प्रोफाइल। जी तो वो बेसिकली वो हमारा जॉब, हम कई बार ये डिस्कस करते हैं कि आरबीए फाइनेंशियल प्लानर और आरबीए काउंसलर, तो वहाँ पे हमारा रोल काउंसलिंग का आ जाता है। तो वी नीड टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, जब मैं अपने इन्वेस्टर के साथ काम करता हूँ तो मैं उनको एक एक सेफ एनवायरनमेंट देता हूँ, वो ट्रस्ट से शुरू होता है, ताकि हमें वो सारी चीजें उनके दिमाग में जो है उनको जो पेन कर रही है पर्सनल फाइनेंस को लेके अपने पैसे को लेके, तो वो सारी वरीज दे वुड पुट इट ऑन द टेबल, राइट। तो एक वो होती है जो हम उनके साथ डायलॉग करते हैं उस टाइम पे, हम उनको सेफ एनवायरनमेंट देते हैं कि वी आर ट्रस्टेड फॉर देम और दे कैन, वो ओपनली हमसे बात कर सकते हैं और उनका इंफॉर्मेशन सारा हमारे पास प्रोटेक्टेड एंड वी आर देयर ट्रस्टेड एडवाइजर, तो उनके लिए हम एक ट्रस्टेड मेंटर के तौर पे अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहते हैं, तो तब वो खुलते हैं। नंबर वन। नंबर टू जो उनकी जो रिस्क प्रोफाइल होती है, सो वी आई हैव अ सेट ऑफ, सो नॉर्मली फाइनेंशियल प्लानर के पास देयर आर अ सेट ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल, जिसकी रिस्पांस के बेस पे हम ये तय करते हैं कि उनकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के लिए हम उनकी कैश फ्लो मॉनिटर करते हैं और उनकी गोल्स कितनी डिस्टेंस है वो देखते हैं। तो ये चीजें हमारे पास जो हम डेटा इकट्ठा करते हैं क्लाइंट के साथ, जब इनिशियल मीटिंग होती है, प्लानिंग मीटिंग जिसको बोलते हैं, तो उस टाइम ये सारी चीजें इकट्ठा करते हैं, उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। बट जैसे यू राइटली शेयर्ड, मैं अभी एक वेरी एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगा मेरे क्लाइंट की। तो अभी उनका सिचुएशन ये था कि ही वॉज अ विक्टिम ऑफ हिज ओन स्पेंडथ्रिफ्ट, तो उनका ये था कि क्रेडिट कार्ड्स के पैसे आपको रोटेट करते रहते हैं, तो ही एक्यूमुलेटेड बहुत ही बड़ा डेट एक्यूमुलेट कर लिया है, मेरे बम्बई से मेरे क्लाइंट बने हैं। तो अभी उनको मैं डेट फ्री करवाने के लिए अभी उनको मैं काउंसलिंग करते हुए उनको स्टेप करवाऊँ, जैसे आप बोल रहे थे कि पिछले शो में आपको किसी ने बताया कि आप अपनी हाई इंटरेस्ट वाली पहले रिटायर हो और फिर लो इंटरेस्ट वाली, तो आई उनका तो बहुत सारे हाई इंटरेस्ट वाले थे क्योंकि हाई रिस्क पर्सनल लोन लिए हुए थे। जी 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 जी, जहाँ पे आज के इतने लो इंटरेस्ट एनवायरमेंट में उनकी इंटरेस्ट है वो 14.5% है, तो उनको वहां से रिटायर करने के लिए ला रहा था। तो इनकी डायर नीड ऑफ अर्निंग मनी, ही प्रपोज मी कि वो मैं उसको अच्छा सा F&O का ट्रेनिंग कोर्स बताऊं, सो दैट ही कैन स्टार्ट डूइंग F&O ट्रेनिंग, राइट। तो ये लोगों की ये चीजें आती है, जैसे आप बता रहे थे कि उनको उनको ये लग रहा है कि दे कैन टेक रिस्क, बट एक्चुअली दे आर नॉट, उनकी जो सिचुएशन होती है वो रिस्क लेने की नहीं है। तो ही प्रपोज मी और मैंने उनको तीन चीजें बताई, कभी आप फोकस करो कैसे डेट से रिटायर हो और आप अपनी कैरियर पे फोकस करो, सही बात, मतलब आप अपने आप को कैसे, क्योंकि जॉब कर रहे, तो मैंने ये बोला आपको अगर आपको रिटायर डेट से रिटायर होने के लिए पैसे कमाने हैं, तो आप पहले अपना नेक्स्ट प्रमोशन कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो, हाउ यू कैन मेक योर सेल्फ क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट प्रमोशन, उसके ऊपर आप टाइम इन्वेस्ट करो rather than learning F&O and doing the, क्योंकि आप you can't afford to lose single rupee anymore, right? तो ये चीजें होती है, but as a well coach we need to work with this kind of thoughts जो आते हैं, उनके emotional होते हैं normally, तो हमारी सबसे बड़ी जो normally क्या होता है, there is a technical term advisor alpha,
मतलब okay. अगर आपने एडवाइजर हायर किया है तो आपको फाइनेंशियली क्या फायदा है? ओके राइट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो अपनी रिटर्न अपने आप पे देता है, तो एडवाइजर कैसे देता है? तो वो राइट इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करके आपको एडिशनल एडवांटेज देता है, व्हिच इज कॉल्ड एडवाइजर अल्फा. तो नॉर्मली लोग एडवाइजर अल्फा को पोर्टफोलियो रिटर्न से इक्वेट करते हैं, बट मेरे लिए अगर किसी इन्वेस्टर को अच्छा एडवाइजर अच्छा है कि नहीं वो देखना चाहिए ना, तो वो ये है कि वो आपकी बिहेवियर को कैसे मैनेज करते हैं. Right. आपकी खुद की सुसाइडल बिहेवियर से आपको खुद को कैसे बचाते हैं, जैसे कि मैंने अभी अपने जो क्लाइंट की एग्जांपल शेयर की. सो दैट इज वेयर द एडवाइजर अल्फा प्लेज अ रोल, क्योंकि आप अपने आपको खत्म करने के लिए आपको जो सोच आती है, आपकी जो बिहेवियर होती है उसको कैसे कंडक्ट करें, और राइट बिहेवियर को कैसे एनकरेज करें, और अपने आप को राइट बिहेवियर के लिए कैसे ट्रेन करें. That is where the advisor alpha plays into the role. Right. I think यहाँ पे coach वाला जो component है वो बहुत significant सामने आ रहा है कि जो upfront fees आप लेते हैं वो तो I mean जो वो basically coaching fees है rather than financial advisory if you think that way, right? Because वहाँ पे आप overall आपने बोला एक environment create कर रहे हैं जहाँ पे अगला because India में मुझे लगता है कि money तो एक taboo topic है, मतलब कोई discuss ही नहीं करना चाहता. और इवन यू नो अपना लाइफ टर्म इंश्योरेंस भी कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, सबको लगता है यार हमें क्या होगा, क्यों लेना है टर्म प्लान, मतलब क्योंकि एक टाबू है ना, मतलब डेथ के बारे में कोई बात नहीं करता, मनी के बारे में कोई बात नहीं करता. तो यहाँ पे अगर क्लाइंट्स खुल पाते हैं और कोई कोच उनको खोल पा रहा है बाय क्रिएटिंग दैट एनवायरमेंट, देन आई थिंक दैट इज रियल थिंग. आई मीन दैट इज रियली रियली गुड टू नो, क्योंकि मुझे हमेशा चैलेंज लगता है जिनसे मैं बात करता हूँ, मेरा सर्किल है, नोबडी इज रियली ओपनिंग अप फॉर देयर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस सिचुएशंस. सबको अच्छा अच्छा दिखाना है, वो यू नो वैसी वाली सिचुएशंस है. सो एक और मेरा क्वेश्चन है, आपने होम लोन पे बात की कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम है. मुझे पिछले से आई थिंक लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था कमेंट सेक्शन में कि जैसे एक घर तो लोग लेते ही हैं, अपना घर जनरली उसको एसेट मानते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी को छोड़ दें जो कि वो लायबिलिटी मानते हैं, मतलब वैसे सब एसेट मानते हैं, लेकिन कुछ लोग फिर सेकंड घर की बात करते हैं यू नो एज एन इन्वेस्टमेंट. सो अगेन वहाँ पे एसेट एलोकेशन भी वापस आ जाता है कि हमारे पास रियल एस्टेट, गोल्ड, इक्विटी, डेट सबका होना चाहिए. बट ये बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन आ रहा है कि एक घर तो मेरे पास है और मैंने नाउ आई हैव पेड ऑफ द यू नो मनी, shall I go for a house as a asset? I mean, as a second house as an investment. उस बारे में आप कुछ कोई you want to give some advice there? हाँ, तो वो normally ये जो आपने जो feedback आ रहे हैं उसकी मैं थोड़ी history बता दूँ. तो normally क्या होता है कि जो घर होता है ना वो generational होता है. Okay. Right. तो parent ने लिया था और आपके पास है. जी. तो जब वो normally क्या होता है, जब अगर मैं देखने जाऊँ तो मेरे father ने जो हमारा घर मेरे भावनगर नेटिव में लिया था, तो वे बैक इन 1972 उन्होंने 22,000 रुपीस में लिया था. और रिसेंटली वहाँ पे जो आजू बाजू में जो लोकेलिटी थी वो चेंज हो रही थी, तो आई वांटेड टू सेल इट, तो मुझे वहाँ पे बड़ी अमाउंट आई. तो मैं ये सोचूंगा कि लिया था इतने में और मैं बेच रहा हूँ इतने में, बट बीच में देयर आर अराउंड 45 to 47 ईयर्स चले गए. तो अगर आप कंपाउंड इन ग्रोथ जब निकालते हो तो वो 11-12% आता है. राइट. तो दिक्कत ये होता है कि ये अगर आपने अपना घर लिया है ना, तो उसके लिए आप 45-47 years 100 years के लिए आप इन्वेस्टेड रह सकते हो. तो तब आपको वहां पे आपने इन्वेस्टमेंट लिया और आपको रिटर्न दिख गया. बट व्हेन इट कम्स टू इक्विटी, इक्विटी में आपको इंस्टेंट रिटर्न चाहिए. आपको ये लग रहा है कि मैं 3 साल से अगले महीने हाँ मान लीजिए कि अभी 2017 के बाद 18-19-20 इक्विटी के लिए बहुत ही खराब चल रहा है. अभी पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग, अभी इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह में चीजें ये आती है कि पिछले 5 साल में इक्विटी ने एफडी से कम रिटर्न दिया. राइट. बट इक्विटी इज नॉट टू बी इक्विटेड फॉर 5 years ऑफ ड्यूरेशन. इक्विटी अगर आपको इक्विटी को अगर आपको इक्वेट करना है किसी और एसेट क्लास से तो आप लंबा करिए. तो बेसिकली ये जो बायस इंडियंस में रहता है रियल एस्टेट में अपना घर के लिए, वो नॉर्मली राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आप अगर आपने 22,000 का अगर आपको 2.5 crore मिल रहा है तो उसके लिए आपने 50 साल वेट किया है. इट्स नॉट कि आपने 22,000 कल डाले थे, 5 साल पहले डाले थे और 5 साल में 22,000 के 2.5 crore नहीं हुए. तो अगर आप उस टेन्योर की अगर आप CAGR निकालोगे तो वो CAGR हार्डली 12-13% आती है, तो वो इक्विटी की इक्विवेलेंट की है अगर आप उस तरीके से देख लो. तो दिस इज द रीजन वो इंक्लिनेशन दिखता है. राइट. और फिर कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये मैंने उसका रूट कॉज बता दिया. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि दूसरा लेना चाहिए कि नहीं, तो नॉर्मली दूसरा लेने के इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इज नॉट राइट थिंग टू डू.
राइट, क्योंकि वो जैसे मैंने बताया कि वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस अगर आप लंबा अवधि के लिए इन्वेस्टेड रहोगे तभी होगा, एंड इन माय ओपिनियन अगर आप उतना लंबा वेट कर सकते हो ना तो उससे अच्छा रिटर्न आपको इक्विटी में मिलेगा, बिकॉज दैट्स अ प्रोडक्टिव, वो इकोनॉमिकली ग्रो होती हुई है। रियल एस्टेट क्या है, वो डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है, राइट, बट जो बिजनेस होता है वो मार्केट पे डिपेंड करता है, तो बिजनेस कैन एक्सपांड व्हाटएवर, अगर अच्छा कर रहा है तो वो बहुत सारी चीजों पे एक्सपांड कर सकता है, तो वहां पे अगर रियल एस्टेट में उतना एक्सपेंशन इज नॉट पॉसिबल, राइट, तो सिचुएशन ये आती है कि ये जो बायस होता है ना वो इन्वेस्टर को एसेट विद कैश पूर बना देता है। मेरे पास एक क्लाइंट है जिनकी नेटवर्थ है वो 4 करोड़ है, उनकी इनकम है वो 1.5 लाख है, और उनकी बच्ची मेडिकल में पढ़ाई कर रही है और उनकी फीस भरने के लिए उनको पर्सनल लोन लेना पड़ रहा था, मेरे पास आए थे, राइट, क्योंकि उनकी 90% उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो रियल एस्टेट में, और रियल एस्टेट में क्या होता है कि यू कैन नॉट सेल व्हेन यू वांट टू सेल, करेक्ट, और यू कैन नॉट पार्ट सेल। मान लीजिए कि अगर उसी क्लाइंट की अगर 4 करोड़ में से 2 करोड़ है वो अगर म्यूचुअल फंड में होती तो वो 5 लाख फीस के लिए चाहिए, तो वो 5 लाख की पार्ट उसमें से आपकी पोर्टफोलियो 1 करोड़ की है और अगर आपकी सारी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट अगर 60-70% वाली इन्वेस्टमेंट कैटर कर रही है, मतलब 5 साल के बाद अगर आपकी बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसे चाहिए तो वो बाकी के पोर्टफोलियो में से आ रहा है, आपको उसके बाद उसकी शादी के लिए पैसे चाहिए तो वो बाकी के पोर्टफोलियो में से आ रहा है, सो देयर इज एन एम्पल लिक्विडिटी अवेलेबल, जब आप विड्रो करना चाहते हैं तो आप विड्रो कर सकते हैं, एंड देन इफ यू आर इंक्लाइंड विथ रियल एस्टेट, अगर आपकी वो एक उसको सेल्फ प्रायोरिटी बोलते हैं, सो देयर इज नो हार्म इन, अगर आपको उसके लिए प्रेफरेंस है तो देयर इज नो हार्म कि आप अपने प्रेफरेंस के ऊपर चलो, बट आपकी बाकी के नीड सेटिस्फाइड है तब जाके आप 30-40% रियल एस्टेट में डाल सकते हो, ताकि अगर आपको उसको टाइम पे बेच नहीं पाए तब भी आपकी फाइनेंशियल लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो उस टाइम पे आप देख सकते हो, बट फॉर दैट आई वुड रेकमेंड कि आप जो है ना वो लैंड में जाओ, क्योंकि एप्रिसिएशन लैंड में मिलेगा, उतना एप्रिसिएशन आपको किसी और रियल एस्टेट में नहीं मिलेगा, बट लैंड कम्स विद इट्स ऑन चैलेंजेस एज वेल, राइट, तो वो आपको आप तभी जाना चाहिए, बिकॉज रियल एस्टेट इज एक्टिव इन्वेस्टमेंट, वहां पे आप इक्विटी की तरह पैसे डाल के एक फंड मैनेजर कर रहा है और आपको फंड मैनेजर मैनेज करके पैसे देगा, ऐसा इक्विटी में नहीं होगा, तो अगर आप उसके लिए आपके पास टाइम है, उसके लिए आपके पास नॉलेज है, आप कर सकते हो, तो फिर अगर आपकी इंक्लिनेशन है तो उसके ऊपर आप डाल सकते हो, बट सिंस आपने देखा कि मेरे पापा ने लिया था और मुझे अच्छा रिटर्न मिला तो मेरे पास अभी पैसे है और मैं अगर मैं हाउसिंग लोन ले लूंगा तो मैं अपनी टैक्स भी बचा लूंगा, तो उसकी वजह से दूसरा रियल एस्टेट इज नॉट द राइट थिंग टू डू, राइट राइट राइट, नीड बेसिस है आई थिंक, हाँ, टैक्स के नाम पे तो वैसे भी इन्वेस्टमेंट्स चाहे इक्विटी में हो चाहे हाउस में हो वैसे भी इज नॉट अ राइट थिंग टू डू, हमेशा अलग अलग रखना चाहिए उन चीजों को। एक और क्वेश्चन है रिलेटेड है, आई मीन ये भी मेरे बहुत कमेंट्स आते हैं, यू नो मे बी वी कैन टेक इट इन अ सेपरेट एपिसोड इफ यू लाइक, बट जैसे रेंट वर्सेस बाय का एक बहुत बड़ा डिबेट चलता है पूरे इंटरनेट पे, पूरे अच्छे अच्छे फोरम्स में, अगेन आई एम श्योर इट इज वेरी वेरी इंडिविजुअल स्पेसिफिक, कोई एक जनरल इसका रिस्पॉन्स हो नहीं सकता यू नो फ्रॉम अ वेरी हाई लेवल, की हर सिटी का अपना एक रियल एस्टेट इंडेक्स होता है, रेंटल इंडेक्स होता है, सो यू नो एवरीथिंग इज डिफरेंट, बट अगर किसी ने पहला घर भी नहीं लिया है, मतलब यहाँ पे मेरे 2 क्वेश्चन थे ना, पहला क्वेश्चन था सेकेंड घर के लिए, तो वहाँ पे आपने मुझे क्लियरली बता दिया कि नॉट अ रियली ग्रेट चॉइस इन केस बहुत लिक्विडिटी ना हो, बट अगर किसी ने पहला घर भी नहीं लिया, बट बहुत से लोग आजकल तो ऐसे है ना, जो लोग गाड़ी भी नहीं खरीदते, यू नो दे आर ओला ओबर जनरेशन, और गाड़ी यानी हो डेप्रिशिएटिंग एसेट है, कुछ लोग घर भी लेना नहीं चाहते, वो कहते हैं अरे रेंट पे रहेंगे रिटायरमेंट में सोचेंगे, सो ये जो नया एक माइंडसेट है आजकल का यू नो पे एज यू गो पे एज यू यूज, इस बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूँ, रेंट वर्सेस बाइंग फॉर योर वेरी फर्स्ट हाउस, उसके बारे में आपका कुछ। तो बेसिकली वो हाईली पर्सनल चॉइस है, राइट, क्योंकि ये इसके पीछे वो जो थोड़ा सा जो फिलोसॉफी है वो ये है कि मनी इज नॉट एंड टू इटसेल्फ, राइट, वो इट्स अ टूल टू अचीव समथिंग, राइट, तो इट्स नॉट दैट कि आपको हर डिसीजन ऐसे को सेंटर पॉइंट रख के लेना चाहिए, राइट, तो जो मनी रेंट वर्सेस बाय है उसमें जो उसकी जो पिवोट है वो यही है कि आप अपने पैसे को कैसे
विच वन इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंट डिसीजन, मतलब अगर आप रेंट में लिए तो आपको पैसे ज्यादा आपको कम पैसे जा रहे हैं, ईएमआई पे आपको ज्यादा पैसे जा रहे हैं, तो वो डिस्कशन होता है कि अगर आप ईएमआई भरोगे तो इतना ईएमआई आएगा, टैक्स एफिशिएंसी ये है तो दैट बाइंग वुड बी कॉस्टलियर एज कम्पेयर टू रेंटिंग, कुछ लोकेशन पे ये एडवांटेज है कि रेंटिंग इज आपका वहाँ पे कॉस्ट कम है आपका बाइंग की वजह से, बट उससे जो सबसे बड़ा उससे इम्पोर्टेंट है कि हर चीज को पैसे में नहीं तोला जाता, राइट? तो अगर 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 वो अगर आपके ऊपर छत, जैसे मैंने पहले किया था फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो इंडियन माइंडसेट है, राइट? तो ये जो इंडियन माइंडसेट है, अगर आपकी इमोशनल नीड है, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि पैसे को लेकर आपकी पीस ऑफ माइंड एंश्योर होनी चाहिए थ्रू आउट द लाइफ लाइफटाइम. अगर आपको वो आपका खुद का घर अगर आपको पीस ऑफ माइंड दे रहा है और आपके लोकेशन में रेंटिंग चीपर है खुद की खरीदने के वजह से, बट मेरे हिसाब से पैसे सब कुछ नहीं होते. ये जो पीस ऑफ माइंड मिलता है उसको देखते हुए मेरी पर्सनल जो ओपिनियन है उसके बारे में, right. वो ये है कि इट्स नॉट एवरीथिंग इज नॉट मनी, राइट? तो पैसे को वो टूल है, तो वो आप कुछ ना कुछ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ करने के लिए उसको आप यूज कर रहे हो. तो अगर आपको लग रहा है कि आप पीस ऑफ माइंड अचीव कर रहे हो बाय स्पेंडिंग मोर बाय योर ओन रेसिडेंशियल थिंग, तो इट्स अ वर्थ थिंग टू डू. राइट, आई थिंक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया है कि पैसे से नहीं तोल सकते हर चीज को, और पर्सनल फाइनेंस का या फाइनेंशियल प्लानिंग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि आप अपना फाइनेंशियल वेलबींग लाइफ टाइम के लिए मेंटेन रखें, और वो हर चीज यू नो कैन नॉट बी मेजर्ड कि रेंट कम है तो मैं रेंट पे ले लेता हूँ वर्सेस बाइंग द फर्स्ट हाउस. सो आई थिंक वेरी 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 यूजफुल आई वुड से. अच्छा, मैं क्या करता हूँ ना, हर गेस्ट से क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक गुड फाइनेंशियल हैबिट जो सबको फॉलो करनी चाहिए और मे बी एक बैड हैबिट जो बिल्कुल फॉलो नहीं करनी चाहिए. सो मे बी मोर देन वन होंगी ऑफ कोर्स आई एम श्योर, बट मे बी एक दो आप देना चाहें सम गुड हैबिट जो एवरीबॉडी शुड स्टार्ट फॉलोइंग और शुड फॉलो एंड वन बैड हैबिट मे बी. ओके, सो आई विल स्टार्ट विद द बैड हैबिट, क्योंकि मैं बैड को रिपेयर करना वेल कोचिंग में पहले आता है. बैड ये होता है कि नॉर्मली आज सारी चीजें आपको यू गेट इट ऑन दी आइदर क्रेडिट कार्ड के ईएमआई पे मिल रही है, अभी तो चीजें डेबिट कार्ड ईएमआई पे मिलना शुरू हो गई, राइट? तो वो जो क्रेडिट बेस्ड कंजम्पशन है उसमें क्या होता है कि लोगों को ये पता नहीं होता है कि व्हेन यू आर बाइंग समथिंग ऑन द क्रेडिट, मतलब आप लोन पे ले रहे हो, तो एसेंशियली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर स्पेंडिंग योर फ्यूचर इनकम इन द प्रेजेंट डे. आइडियली ये होना चाहिए, जैसे हमारे इंडिया में वो होता है कि आप उतने ही पैर प्रसारो जितना आपका चादर, राइट? वो हम बोलते हैं, तो उसको अगर हम उसी को हम यहाँ पे लेके आए, तो यहाँ पे ये होता है कि आप क्या कर रहे हो, तो क्या आपका अभी फ्यूचर में चादर क्या होने वाला है वो तो हमें पता नहीं है. सो एज्यूमिंग कि हमारे पास अच्छा ही चादर होगा, उसको देखते हुए हम क्रेडिट पे चीजें लेके अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, राइट? तो आप वो क्रेडिट वाली सिचुएशन, कुछ भी चीज खरीदने से पहले आप वो तय करो कि आप उसको क्रेडिट पे नहीं लोगे, मतलब लोन लोन शुड बी एब्सोल्युटली नो एक्सेप्ट हाउसिंग, क्योंकि वहां पे आपको वो जैसे मैंने पीस ऑफ माइंड वाला बताया जी था और टैक्स एडवांटेज मिल रहा है. यू कैन ऑल्सो कंसिडर एजुकेशन लोन अगर आपको इफ योर सिचुएशन वॉरंट, राइट? ये बहुत चीज आपके लिए, और बिजनेस लोन अगर, क्योंकि आप बिजनेस में पैसे डालोगे और आप अर्न करोगे. सो अगर आप इन शॉर्ट अगर आप एप्रिशिएटिंग एसेट के लिए कुछ भी लोन ले रहे हो, तो आप अगर रिजनेबली ले रहे हो तो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. बाकी के सारे लोगों लोन के लिए आपको स्ट्रिक्टली नो नो, दैट इज फर्स्ट थिंग, राइट? तो दूसरी चीज ये डालनी चाहिए कि जब भी मैं फाइनेंशियल प्लानिंग की हम लोगों से बात करते हैं और अपनी, तो वहां पे सबसे बड़ी सोच ये आती है कि हमारे पास सरप्लस होता ही नहीं है. आप फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करो तो वो दे कंसिडर फाइनेंशियल प्लानिंग एज सिनोनिम टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, राइट? तो उनकी सोच, हमारे ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास सरप्लस ही नहीं है, हमारे पास सारी इनकम खर्च हो जाते हैं, तो हम कैसे इन्वेस्ट करें. तो जो दूसरी अच्छी हैबिट है वो मैं ये बताना चाहूंगा कि यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डिलेड ग्रेटिफिकेशन, राइट? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है. तो वे नॉर्मली अपने जब मैं सेशन लेता हूँ अपने इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम या ट्रेनिंग सेशन या वन टू वन कोचिंग में, तो मैं ये सबसे पहले एम्फेसाइज करता हूँ कि कोई भी चीज, यू पुट अप अ फिगर, मान लीजिए कि अगर आपकी जो पर्सनल इकोनॉमी है उसके देखते हुए आप ये फिगर डाल लीजिए कि अगर 2000 से ज्यादा कुछ भी मैं खर्च करना, कि मेरी टेम्पटेशन आएगी जब मुझे कि मुझे ये लेना है, मुझे ये खरीदना है, तो यू डू कि आप उसको 48 to 72 ओवर तक उसको आप वेट लिस्ट में डाल दें,
कितना 48 to 72 आवर्स ओके वो भी पर्सनल कंफर्ट है. अगर आप बहुत स्पैंड स्ट्रिप्स है तो आपको एक वीक डालना चाहिए. बेसिक कंसेप्ट इज यू डू इट डिलेड ग्रेटिफिकेशन. तो अगर आप डिले करोगे ना तो हो सकता है कि वो जो अर्ज उस टाइम पे, क्योंकि ये अभी ये सारी चीजें है ना वो विंडो शॉपिंग में होगी. तो आप कुछ खरीदने के लिए जाते हो बट बहुत ही टेम्पटेड फॉर्म में सारी चीजें आपको सजी हुई मिलती है तो आपको वहां पे टेम्पटेशन आ जाते हैं. तो ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन जो प्रैक्टिस आप करोगे तो उसका आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि आप उसको अगर डिफर करोगे ना तो चांसेस आर देयर मेजॉरिटी ऑफ योर जो वहां पे अर्ज हुआ था ना वो सेटल डाउन हो जाएगा एंड यू विल नॉट बी बाइंग दैट. एक्सीलेंट. राइट. तो ये अपने आप को कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए एक एसेंशियल अगर आप हैबिट कल्टीवेट कर पाते हो तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट है, वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा. वेरी यूजफुल. वेरी थैंक यू सो मच. थैंक यू. अच्छा मैं आपका फॉलो कर रहा था आपका ब्लॉग एंड आपका फेसबुक पेज. आप बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं फाइनेंशियल एजुकेशन में. सो अगर हमारी ऑडियंस आपको रीच आउट करना चाहे उनके कोई भी पर्सनल फाइनेंस क्वेश्चंस के लिए कुछ भी क्लेरिफिकेशंस के लिए सो आप कहाँ कहाँ मोस्ट एक्टिव हैं, कहाँ वो आपको रीच आउट कर सकते हैं? अच्छा बुक्स एक चीज है जो मैं जरूर पूछता हूँ कि क्योंकि आई लाइक रीडिंग बुक्स सो मुझे लगता है कि बुक्स से एक थोड़ी स्ट्रक्चर नॉलेज मिलती है. कुछ बुक्स अगर आप रिकमेंड करना चाहें हमारे व्यूअर्स को सो दैट वुड बी वेरी यूजफुल. ओके सो एक बुक मैं रिकमेंड करना चाहूंगा 10 Commandments टू फाइनेंशियल फ्रीडम करके. ओके तो ये बहुत ही अच्छा बुक है तो वो आप आपके रीडर अगर वो रीड करेंगे तो अच्छा होगा. राइट. अगर मेरे तक पहुंचना है कुछ भी अपनी पर्सनल फाइनेंशियल जी क्वेरी को लेके तो फेसबुक पे मेरी पेज है प्लेनेट वेल्थ करके, आप उसमें सर्च करके उस पेज पे आप मुझसे रीच कर सकते हैं. देयर इज अ ग्रुप ऑन द फेसबुक फाइनेंशियल वेलबीइंग करके, मैं ग्रुप भी मैं वहां पे चल रहा हूं तो आप उसको सर्च करके वहां पे भी रिक्वेस्ट करके मेंबर बन सकते हैं. okay. वहां पे भी बहुत सारी डिस्कशन होती रहती है. तीसरा है आई हैव गॉट अ यूट्यूब चैनल, वो मैंने रिसेंट एडिशन है तो फाइनेंशियल वेलबीइंग विद प्लेनेट वेल्थ जो कि मेरी पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट फॉर्म का नाम है. So there is a channel called Financial Wellbeing with Planet Wealth. तो वहाँ पे भी आप मेरे videos वगैरह देख सकते हैं. तो ये दो तीन online जी platform है. मेरे blogs अगर आपको पढ़ने चाहिए तो website www.planetwealth.in. तो अगर site पे जाओगे तो सीधा आपको पहले मेरा blog मिलेगा. तो you will be able to read a lot of articles वहाँ पे मैंने जो लिखे तो वो आपको financial literacy में help करेंगे. So this is how one can reach out to me. But along with it, I will like to share one इनिशिएटिव जो मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ. तो मैंने ये देखा कि जो ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है उसकी वजह से जो दिक्कत आ रही है एंड अगर फिजिकली मैं लोगों तक पहुंचना चाहूंगा तो आई विल बी हैविंग अ टाइम करेक्ट लिमिटेशन. तो मैं जितना मैं चाहता हूँ उतने लोगों तक नहीं पहुंच पाऊंगा. तो मैंने रिसेंटली डू इट योरसेल्फ फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए मैंने वीडियो ट्यूटोरियल कोर्स डिजाइन किया है विच आई विल बी लॉन्चिंग शॉर्टली. वहां पे मैं लॉन्च करूंगा तो वो कोर्स की ऑब्जेक्टिव ये है कि आप वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अपनी खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें अलोंग विथ इट जो कैलकुलेशन आपको करना होता है. अगर गोल बेस इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपनी SIP को कैसे डिराइव करोगे तो वो एक्सेल शीट मिल जाएगा वहाँ डाउनलोडेबल फॉल में मेरे LMS में. सो आई एम गोइंग टू लॉन्च ए कोर्स ऑन डू इट योरसेल्फ पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग एंड अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम कोर्स. वो मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ. मेरा कोर्स रेडी है बट ओनली थिंग इज कि उसको मार्केट में लाने से पहले उसको फिनिशिंग टच में कर रहा हूँ. तो अभी फर्स्ट फेज में मेरा बीटा टेस्टिंग चल रहा है तो आई एम रीडिंग इट टू माय क्लाइंट्स और उनसे मैं फीडबैक ले रहा हूँ और सिलेक्टेड लोगों से ले रहा हूँ. तो उसके बाद मैं उसको कमर्शियल लॉन्च करने जा रहा हूँ. दैट विल बी माय रीसेंट इनिशिएटिव व्हिच आई हैव. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इनिशिएटिव. आई एम श्योर इट विल. थैंक यू. Will grow leaps and bounds, and also on the new YouTube channel you just did. So I'll put all the relevant links in the description so that the viewers can basically spend some time on the blogs and Thank learn you. From the wisdom you have been sharing. But maza aa raha hai aapse baat karke, man kar raha hai continue kare. But I think ye wala episode hum yahan pe conclude karenge. I would really love agar aap hamare channel pe fir se aaye and maybe we can pick another topic. And there are so many topics and I really believe ki आई थिंक बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारी लर्निंग शेयर करी जा सकती हैं. सो आई वुड बी रियली ग्लैड इफ यू कैन यू नो टेक आउट टाइम इन फ्यूचर एंड अगेन कम बैक टू द चैनल. आई होप आपको कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा हो. नहीं, आई एंजॉयड इट. मेरे लिए तो ये पैशन है, पैशन वाला काम है तो कभी भी एनी टाइम. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर टाइम. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू योर इनिशिएटिव. आप अच्छा काम कर रहे. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर काइंड वर्ड्स. ओके.